एक लंबे समय के बाद नौकरी फिर से पाना ना केवल एक मुश्किल काम हो सकता है बल्कि एक फ्रस्ट्रेटिंग काम भी हो सकता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अगर आप किसी भी वजह से बहुत समय से नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप फिर से नौकरी कैसे पा सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि नौकरी में गैप की वजह क्या हो सकती है। गैप की वजह हो सकती है शादी होना, मैटरनिटी लीव पे जाना, या बहुत समय तक नौकरी करने के बाद सेबेटिकल लेना, या स्वास्थ्य ठीक ना होना आदि आदि। वजह कुछ भी रही हो परंतु गैप तो हो गया ना, और ये गैप हमारे लिए एक चैलेंज या कभी कभी एक मुसीबत बन जाता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन सी चीजें हम करें जिससे कि ये चैलेंज कम हो और हमें फिर से एक अच्छी नौकरी मिल जाए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ क्लिक करें बेल आइकॉन पर। और आइए अब शुरू करते हैं। पहली टिप है कि आप अपनी एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट करें, यानी कि स्वयं का आंकलन करें कि आप मार्केट में कहां खड़े हैं। मान लीजिए आप एक साल बाद, छह महीने बाद या दो साल बाद आप फिर से जॉब मार्केट में आ गए हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जो स्थितियां पहले थी, इकोनॉमिक कंडीशंस या स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट या उस इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी है वो वैसी ही हो जो कि दो साल पहले या छह महीने पहले या एक साल पहले थी। तो इसके लिए आपको सेल्फ एवेल्युएशन करना है। सेल्फ एवेल्युएशन कैसे करें? इसके लिए आप आंकलन करें कि प्रोफेशनल के रूप में आप आज जॉब मार्केट में कहां खड़े हैं। फिर आप ये देखें कि अब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो आपके अंदर कौन कौन सी यूनिक चीजें पाएगा और उसे पसंद करेगा। फिर आप देखें कि क्या आप उसी इंडस्ट्री में वापस जाना चाहते हैं या अब आप अपने लिए कोई नई इंडस्ट्री को ज्यादा फायदेमंद पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको यह देखना है कि इंडस्ट्री कैसे बदल गई है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स आपके क्षेत्र में कैसे बदल गई हैं। और हाँ, एक बात यहां पर कहना बहुत जरूरी है कि अपने आप के साथ बहुत ज्यादा कठोर या अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज यानी कि जमीनी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी टिप है कि रेलेवेंट स्किल्स को आप प्राप्त करें। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, सब कुछ इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि हो सकता है कि जो आप पहले जानते थे और उसके बारे में आप अपने आप में फख्र रखते थे शायद उसकी अब जरूरत ही नहीं है। तो पता लगाएं कि अब आपकी इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और अगर आपको एक नई स्किल की जरूरत है या कुछ नया सीखने की जरूरत है तो उसे फौरन से फौरन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जल्द से जल्द समय में सीख लीजिए। तीसरी टिप है कि अपने आप को बेहतर पेश करें। मेरा यहां कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, प्रोडक्ट लिटरेचर की जरूरत होती है, उसी तरह आज की मटेरियलिस्टिक जिंदगी में अगर आप एक नौकरी पाना चाहते हैं तो आपका सीवी अच्छा होना चाहिए, आपकी सोशल मीडिया यानी कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए और आपका ट्विटर भी एक अच्छा और सुलझा हुआ होना चाहिए, और अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग है तो उस पर भी आपको नजर डालनी होगी कि क्या कहीं वो बंद तो नहीं हो गया है या क्या कहीं वो बहुत पुराना तो नहीं लग रहा है। तो इन सब चीजों को आपको एक बार फिर से नया करना होगा और इनके बेसिस पे जब आपको इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको अपने आप को भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होगा, जिसके लिए आपको एक अच्छी इंटरव्यू स्किल्स भी चाहिए होंगी। अच्छा सीवी कैसे बनाएं, अच्छी इंटरव्यू स्किल्स कैसे पाएं, इसके लिए हमने पहले से ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चौथी और सबसे जरूरी टिप है नेटवर्किंग। देखिए आजकल के जमाने में नेटवर्किंग के बिना कुछ भी बहुत बड़ा हासिल कर लेना लगभग नामुमकिन है।
पुराने जमाने में आज से कुछ वर्षों तक सिर्फ अखबार में एडवर्टाइजमेंट आते थे और आप उसके अगेंस्ट अप्लाई करते थे, आपको इंटरव्यू कॉल आती थी, ज्यादा से ज्यादा एक रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू कॉल आती थी और फिर सिलेक्शन हो जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अखबारों की जगह अब ले ली वेबसाइट्स ने, वेबसाइट्स भी अब प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स की हैं, वेबसाइट कंपनीज की डायरेक्ट हैं और वेबसाइट अब जॉब कंपनीज की भी हैं, जैसे नौकरी, मॉन्स्टर, टाइम्स वगैरह वगैरह। तो हमें जरूरत है इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस बनाने की और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जॉब सर्च करने की। मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये सब पहले से कर ही रहे होंगे या उन्होंने करने के बारे में मन बना लिया होगा, परंतु इससे भी ज्यादा अब जरूरी हो गया है हायरिंग थ्रू दी रेफरेंस, यानी कि जो लोग अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हीं से कहा जाता है कि क्या आप एक नई पोजीशन जो क्रिएट हुई है उसके लिए आप किसी को रेफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके इंडस्ट्री में जो पुराने दोस्त थे उनके साथ आप अपने रिश्ते दोबारा से नए करिए, अपने कॉन्टेक्ट को रिन्यू करिए और उसके अलावा अब अपने कॉन्टेक्ट का क्षेत्र, अपना नेटवर्किंग सर्कल को बढ़ाइए, ताकि जब कभी किसी की कंपनी में आपके लायक कोई जॉब आती है तो वो सबसे पहले आप ही का नाम रेफर करे। इसमें मैं आपको छोटी छोटी कुछ टिप्स देता हूँ। मान लीजिए आप केमिकल इंजीनियर हैं और आप R&D या प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हैं, तो आप ऐसी एसोसिएशंस ज्वाइन करिए जहां पर सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं और जहां पर आप एक स्पीकर के रूप में, एक प्रेजेंटर के रूप में वहां पर जा सके, जिससे आपको लोग जाने, आपके साथ विजिटिंग कार्ड्स एक्सचेंज हो, और अगर पूरी फुल टाइम जॉब नहीं तो कम से कम कुछ अच्छे पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग असाइनमेंट तो मिल जाए। बस फ्रीलांसिंग असाइनमेंट मिल जाएंगे या पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो अगला स्टेप तो फुल टाइम जॉब ही है ना। एक और खास बात, आप अपनी इंडस्ट्री में रिक्रूटर्स के साथ भी कनेक्टेड रहे। हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ 20 रिक्रूटर्स यानी कि प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 5 ही उन लेवल्स पे काम कर रहे हैं जिनके लिए आप उपयुक्त हैं या जिनके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो बस आपको उन 5 या 10 रिक्रूटर्स के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा रेपो बना के रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपको अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को भी और अच्छा बनाना है। आपके चेहरे पे ये नहीं आना चाहिए कि आप 1 साल से 6 महीने से 2 साल से आप बेकार हैं, बेरोजगार हैं या आप जॉब मार्केट में नहीं थे। यदि आपकी समस्या कुछ शर्मिलापन है, कुछ हेजिटेशन है, तो इसके लिए भी हमने कुछ अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, हाउ टू ओवरकम शाइनेस, हाउ टू गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह, इनको जरूर देखें। इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की 5वीं आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है कि आपको एक बिजी व्यक्ति के रूप में देखा जाना, ना कि भाई अभी तक तो मैं खाली था अब मुझे जॉब दे दीजिए। नहीं, आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जो कि बहुत जगह बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। शायद आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, शायद आप कुछ कंपनीज के कंसल्टेंट हैं, शायद आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम लेक्चरर हैं। तो इसलिए इन सभी चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है ताकि आप फिर से इस रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से इंडस्ट्री में प्रवेश कर सके। दोस्तों, चाहे USA हो, UK हो, एशिया हो, अमेरिका हो या यूरोप हो, ये समस्या हमेशा आती ही है और सबके साथ होती ही है अगर उनकी एम्प्लॉयमेंट में गैप हो गया है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मैं फिर से जॉब पाऊंगा और पहले से भी अच्छी जॉब पाऊंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी और अगर आप इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे एक बहुत ही डिटेल आर्टिकल है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।